हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपने अपना अपर चेस्ट हिट करना है, बैक माइनर जिसे हम कहते हैं, अगर आपने वो हिट करना है तो आपकी बेंच किस एंगल पे होनी चाहिए। चेस्ट के दो ही मसल होते हैं, बैक मेजर और बैक माइनर। मेजर जो है वो आपका स्ट्रेट बेंच पे हिट होता है, ठीक है। स्ट्रेट बेंच पे मेजर डोमिनेंट होता है, अपर जो है अपर चेस्ट माइनर चेस्ट वो ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता। लेकिन इस वाली जो है एंगल पे, इंक्लाइंड एंगल पे आपका जो माइनर है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, मेजर जो है वो कम हो जाता है। मतलब ये अगर आपका अपर चेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो आपने इंक्लाइंड पे बेंच प्रेस, इंक्लाइंड पे डंबल प्रेस ज़्यादा करना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्टार्ट इंक्लाइंड से करें। नॉर्मली लोग बेंच प्रेस से स्टार्ट कर रहे होते हैं, मैं भी नॉर्मली बेंच प्रेस से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपका अपर चेस्ट वीक है और आप चाहते हैं इसे डेवलप करना, तो आपने स्टार्ट इंक्लाइंड से ही करना है ताकि आप इंक्लाइंड पे अच्छा लिफ्ट कर सकें स्टार्टिंग में, तो आपका जो अपर चेस्ट है वो अच्छा हिट होगा। लेकिन गलती कहाँ आती है? गलती आती है कि भाई मैं अपर चेस्ट हिट करना चाहता हूँ तो मैं एंगल क्या सेट करूँ, मैं बेंच को किस एंगल पर रखूँ कि मेरा जो चेस्ट है वो अपर चेस्ट जो है वो हिट हो। अब लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर बेंच को इतना ऊपर रखते हैं या फिर बेंच को नॉर्मली लोग यहाँ इतना ऊपर रखते हैं। तो क्या ये एंगल सही है? मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये मैंने डंबल उठाया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो इस एंगल पे मैंने डंबल प्रेस किया। अब हुआ क्या कि इस एंगल पे मेरा जो एंटीरियर पार्ट था, हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में, ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व था बजाय मेरे अपर चेस्ट के। अपर चेस्ट भी इन्वॉल्व था लेकिन कम था, ये ज़्यादा था। अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो तो आपको पंप फील नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो अपर इंटीरियर डेल्ट है ये पंप हो गया, ठीक है। सो आपने इस एंगल पर जो है अपना अपर चेस्ट हिट नहीं करना है। यहाँ पर आपको इंजरी भी हो सकती है और आपका अपर चेस्ट इतना ज़्यादा एक्टिवेट भी नहीं होगा। अब आपने किस एंगल पर अपना चेस्ट को हिट करना है? सबसे पहले बेंच को कर दें स्ट्रेट, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप है, आपने उस पे बेंच को रखना है, ये वाला। हो सकता है आपके जिम में ये वाली बेंच ना हो, आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो ज़्यादा ऊपर ना आए, तो आपने देखना है कि 45 डिग्री का एंगल बने। क्या अगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर बेंच ज़्यादा ऊपर आएगी तो आपकी आपके शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। सिर्फ ज़्यादा ऊपर ना आए, माइनर सी ऊपर आएगी। इसी एंगल पर आप बेंच प्रेस और डंबल प्रेस करेंगे जिससे आपका जो अपर चेस्ट है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ज़्यादा काम करेगा और आप अच्छा वेट लिफ्ट भी कर पाएंगे और अच्छा अपर चेस्ट डेवलप कर पाएंगे। सो अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ इसके ऊपर। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एट, नाइन, सो इस एंगल पे मेरा अपर चेस्ट, अब मुझे फील हो रहा है कि पंप हुआ है, अपर चेस्ट अच्छा एक्टिवेट हुआ है और मेरा अपर चेस्ट हिट हुआ है बजाय मेरे शोल्डर के। सो इस एंगल पे आपने रखना है, आपने ज़्यादा ऊपर नहीं करना, स्ट्रेट नहीं करना। अगर आप अपना अपर चेस्ट हिट करना चाहते हैं तो इंक्लाइंड से स्टार्ट करें और इंक्लाइंड डंबल प्रेस करें, इंक्लाइंड बेंच प्रेस भी कर सकते हैं आप, उसके बाद आप स्ट्रेट बेंच पर जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।